ये नहीं, क्या आपका मुंह भी माक रहा है? जनता त्रस्त और दरोगा जी पी के मस्त, आधी रात को खेल के मैदान में पानी की बोतल लेकर भाग रहा यह शख्स ओलंपिक की तैयारी नहीं कर रहा है। ये भाग रहा है पर उन दागों से बचने के लिए जिनसे शर्मसार होती है खाकी। और ये भागे भी तो क्यों नहीं, क्योंकि हाथ में है पानी की जगह देसी शराब। लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में एक ओर जहां जनता मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, वहीं बांका थाना में पदस्थापित दरोगा अपने ही थाने के चौकीदार से होम डिलीवरी करवा रहा था। जी हां, ये है बांका थाना में पदस्थापित दरोगा रामप्रीत पासवान। रात्रि के समय संदेह होने पर जब कुछ युवकों ने उनका वीडियो बनाया तो सुनिए शराब की बोतल को वो क्या बताने लगे। फील्ड पे आए आप, कौन है फील्ड पर? हाँ, वो मिस्त्री को पंखा दिए हैं। वो क्या है समझे ना, क्या है उसमें? पंखा दिखाइए, दिखाइएगा भेंट करने के लिए। तो दिखाइए क्या निकाल रहे, क्या उसमें है क्या? और ओहो, खुद को फंसते देख दरोगा जी शराब की बोतल को लेकर भागने लगे। तभी युवकों ने दरोगा जी और चौकीदार से शराब की बोतल को छीनने का प्रयास किया, लेकिन दरोगा जी ने बोतल देने से इनकार कर दिया। आखिरकार दरोगा जी ने बोतल से शराब उड़ेल दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल बांका पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन करते हुए योगेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी दरोगा और चौकीदार पुलिस की गिरफ्त में है। अब सवाल यह है कि जिस पर शराब के अवैध कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी है, वह खुद शराब की डिलीवरी करते रंगे हाथ कैमरे में कैद हो गया। बांका से अंकित कुमार की रिपोर्ट।